और अब बात एमपी में बेलगाम होते जा रहे अपराधियों की। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि किस तरीके से जो बदमाश हैं मध्य प्रदेश में बेखौफ हो रहे हैं, उन्हें कानून का डर बिल्कुल भी नहीं। पहली तस्वीर उज्जैन की। बिल्कुल, उज्जैन में यहां पर बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की हत्या कर दी। तो वहीं जबलपुर की बात कर रहे हैं तो जबलपुर के पाटन में मामूली विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुरैना में भी अपराधी बेखौफ हैं और यहां बदमाशों ने कांग्रेस नेता के घर पर फायरिंग की है। तो बेलगाम हो चले हैं अपराधी और आप देखिए किस तरीके से बदमाश सबको डरा रहे हैं, दहशत में रख रहे हैं, घर में घुसकर हत्या कर रहे हैं। ये तीन तस्वीर उज्जैन, जबलपुर और मुरैना की। अब आइए आपको अपराध की खबरें एक एक करके बताते हैं जहां पर अपराधी बेखौफ हैं। सबसे पहले बात उज्जैन की, जहां नरवल थाना क्षेत्र में बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष राम निवास कुमावत और उनकी पत्नी मुन्नी कुमावत की हत्या कर दी गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो घर में चारों ओर सामान बिखरा हुआ पड़ा था। ये कहा जा रहा है कि लूट के इरादे से घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी बेहद शातिर थे, उन्होंने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। राम निवास कुमावत किसान भी थे और अनाज का धंधा भी करते थे। उनके पास 300 बीघा जमीन है और डेयरी फार्म भी है। बेटा राजेश देवास में अनाज का व्यापार करता है। उनकी हत्या से गांव में आक्रोश है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और एक टीम भी गठित की गई है। नरवर अंतर्गत ग्राम पिपलौदा खुर्द द्वारकाधीश है, जहाँ पे गांव के अंदर ही एक मकान है जहाँ पे डबल होमिसाइड या फिर दो लोगों की बॉडीज पाई गई हैं। घटनास्थल को सुरक्षित किया गया है। एफएसएल की जो टीमें यहाँ पे पहुँच चुकी हैं, टेक्निकल डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे रात के समय किसका मूवमेंट रहा, किन परिस्थितियों में इन घटनाओं को अंजाम दिया गया, ये जाँच के सभी पहलू हैं जिन पर लगातार काम किया जा रहा है। इस अपराध की कायमी जो है विभिन्न धाराओं में की जा रही है और एक एसआईटी गठित की जाएगी जो लगातार इस केस को इसके डिटेक्शन के लिए, इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए लगातार काम करेगी। उज्जैन से 20 किलोमीटर दूर पिपलौदा में आज दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ पर पति और पत्नी की दर्दनाक हत्या कर दी गई। यहाँ पर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं राम निवास कुमावत, जिनकी हत्या की गई है, साथ ही उनकी पत्नी की भी हत्या की गई है। सुबह के वक्त यह घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। फिलहाल घर में पूरी तरीके से सामान बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि अंदेशा जताया जा रहा है कि ये लूट के इरादे से ही इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है, क्योंकि घटना को घटित करने वाले लोग जो है घर के पीछे के रास्ते से अंदर घुसे थे। सबसे पहले खून के निशान जो हैं किचन में पाए गए हैं, इसी के बाद दूसरे रूप में खून के निशान पाए गए हैं। तो अब देखना यह होगा कि पुलिस के आला अधिकारी जहां पर घटना स्थल पर मौजूद है और इस पूरी घटना की जांच कर रहे हैं। वहीं एसपी सचिन शर्मा ने कहा है कि इस पूरे मामले में एक एसआईटी गठित की जाएगी जिसकी पूरी निष्पक्ष जांच की जाएगी। साथ ही वारदात को अंजाम देने वाले लोगों ने यहां पर सीसीटीवी कैमरे को भी नुकसान पहुंचाया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इन पूरे मामले को लेकर क्या पहलू तक पहुंचती है, क्योंकि जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है तो गांव के लोगों में आक्रोश भी है कि जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है तो जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाए और उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि राम निवास जो कुमावत जो थे उनका गांव में मिलनसार व्यवहार था जिसके कारण गाँव के लोगों में बड़ा आक्रोश भी है। मुझे जयजय पटवार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। तो वहीं जबलपुर में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद से ही आरोपी फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। इस वारदात की मुख्य वजह शराब का नशा और रसूख है। जानकारी के मुताबिक मृतक रामराज नंदेसरिया पाटन के रिंझा गांव का रहने वाला था। शुक्रवार की रात वो पाटन के चौधरी मोहल्ले में रहने वाले चाचा के घर गया था। देर रात जब वो अपने चाचा के घर के बाहर खड़ा था तभी पप्पू बर्मन नामक युवक शराब के नशे में धुत होकर वहां से जा रहा होता है। रामराज ने उसे रोककर सिर्फ ये पूछा कि वो कहां जा रहा है।
इसी बात पर दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ और इसके बाद पप्पू बर्मन मौके से तो चला गया, लेकिन कुछ ही देर बाद अपने साथ बीजेपी नेता आशीष बेहूरे और कुछ अन्य लोगों को लेकर वापस लौटा और आशीष ने वहां पहुंचते ही रामराज पर पीछे से फायर कर दिया। गोली लगी है उसको, अस्पताल ले जाया गया और वहां पर उसकी मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं बात मुरैना में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री सोनेराम चौधरी की और सोनेराम पचौरी के घर बदमाशों ने आधी रात को ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान गोली खिड़की को तोड़ते हुए अंदर जा धंसी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू की। गनीमत रही कि अंदर सो रहे सोनेराम पचौरी बाल बाल बच गए। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सोनेराम पचौरी ट्रांसपोर्टर का काम भी करते हैं और हाल ही में उनके 4 कंटेनरों से 8 बैटरी भी चोरी हो चुकी है। कांग्रेस नेता ने मामले की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिलहाल